एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज आई हूँ मैं इस गांव में। देखो कितनी पूरी सरसों फैली हुई है। अभी जो मालिक हैं अगर वो देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। यहाँ पे ये देखो पूरे यहाँ से यहाँ तक सरसों हैं। कितना अच्छा लग रहा है गांव। अभी मालिक नहीं है यहाँ पे, मालिक आएंगे तो पता नहीं गुस्सा भी कर सकते हैं। पर हम चुप चुप के, मैं तो जहाँ पे बना रही हूँ वीडियो यहाँ पे, ये देखो पूरा पूरा वो वहाँ तक पूरा गन्ने और सरसों हैं बस। सरसों के खेत देखे तो वीडियो बना ली, आप लोगों से शेयर कर ली। अब मैं जहाँ पे आई हूँ ये नानी जी के वहाँ पे, तो इनके घर के आगे भी इतने अच्छे फूल खिले हुए थे तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा चलो यहाँ पे भी थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ, कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे गांव में जितनी भी जगह होती है नीचे में ही अगर पेड़ पौधे लगाते हैं, उनकी केयर करो तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। और गांव में ऐसा भी नहीं है कि कोई फूल धूल तोड़ने के लिए, जब ज़रूरत है तो फूल भी दे देते हैं और घर के आगे से जो जगह होती है उसमें भी लगा लेते हैं। तो ये देखो मुझे बहुत अच्छे लगे। आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आप लोगों को अच्छे लगे या नहीं लगे। फूल तो हर किसी को पसंद होते हैं, मुझे तो फूल और हरियाली बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे देखकर आपको लग ही रहा होगा कि मुझे फूल कितने ज़्यादा पसंद हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था पहले, लेकिन अब मार्केट में हूँ, गमलों में उतना केयर नहीं हो पाती और जो हैं वो भी ख़राब हो गए हैं। और मैंने वहाँ का ये उनके घर के आगे पीछे का पूरा वीडियो बना लिया था। आजकल इतनी ठंडी हो रही है, मौसम इतना अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। इस समय दिन के 3 या 3:30 का टाइम हुआ है, लेकिन देखो कितना अंधेरा अंधेरा हो रहा है। फिर दूसरे दिन का मम्मी लोगों के घर में मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया। मुझे तो बिल्कुल इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है कि बाहर निकलने को दिल ही नहीं हो रहा है। घर में तो थोड़ा बहुत काम करना होता तो जैसे तैसे हम कर ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ करना नहीं हो तो और ज़्यादा ठंडी लग रही है। और मैंने देखो ये बांधा हुआ है सर पे, अगर मैं इसको नहीं बांधूँगी तो मेरा गला भी बंद हो जाता है और सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मुझे पूरा 2-3 महीने इसको बांध के रखना होता है। और ये जो मम्मी लोगों के घर के आगे की जगह है वहाँ पे इन्होंने हल्दी और थोड़ा सा किसी ने चारा बोया है और आलू, सारी जितनी साग सब्जी है सभी साग सब्जी यहाँ पे बोया है मम्मी और पापा ने। और बहू भी कर लेती है कभी कभी थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी इनके जानवर वानवर तो कुछ है नहीं, तो यही साग सब्जी जब भी टाइम मिलता है तो इसमें ही देखाभाली कर लेते हैं। और यहाँ पे है देखो ये नींबू, ये मीठा होता है लेकिन आजकल धूप नहीं है तो बहुत डर लगती है इसको खाने में। ये है लहसुन, ये है सरसों, इस तरीके की सरसों भी सरसों नहीं है सॉरी, ये राई, राई बोलते हैं इसको। एक राई काली वाली होती है, एक राई इस तरीके की। और यहाँ पे मूली, ये देखो ये है गांठ गोभी, इसको सलाद की तरह से भी आप खा सकते हैं जैसे मूली खाते हैं। और इसकी सब्जी भी होती है आलू में डालकर। घर में जितनी जगह भी है थोड़ा थोड़ा भी सब्जी लगा लें, उसकी केयर करें तो बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ पे गोबर वोबर डाल लेते हैं। यह है फूल गोभी। और गांव में तो और कुछ हुआ नहीं, बस यही होता है, खेती बाड़ी का ही होता है सब कुछ। और यहाँ पे मिर्च लगानी है इन लोगों को, तो पापा और मम्मी यहाँ पे लगे हैं मिर्ची की क्यारी बनाने में। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो ज़रूर बताएं। आप लोग अपना कीमती समय मेरी वीडियो देखने के लिए देते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूं। और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहां पे मैं जब इसमें वीडियो एडिटिंग कर रही हूं तो मैं छत में बैठी हूं। और भी उसके बाद मैं शाम को गई थी कहीं, कोई मामी रहती हैं बगल में उनके वहाँ जा रही, तो ये देखो रोड में से मैंने वीडियो बनाया है। जो रोड के आगे से नहर होती है, नहर रोड, इसमें भी लोग फूल लगा लेते हैं। यहाँ पर घर की शोभी हो जाती है और जिसको ज़रूरत होती है वो तोड़ कर भी ले जाते हैं, तो अच्छा लगता है। साफ़ सफाई, फूल पौधे, प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं रोड के आगे से। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।